डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। ये तुम्हारे जीवन का भी सूत्र बना लो अपने, क्या फॉर्मूला है ये, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन। अब तुम पूछते हो सब प्रेम करना गलत है, प्रेम के सिवा और दुनिया में करना क्या है, प्रेम ही तो करना है, लेकिन भिखमंगे हो गए, शादी कर रहे हो, किसी को उसका घर छुड़वा के अपने घर ला रहे हो, तो कम से कम अच्छा खाना तो दे सको। तुम कह रहे हो नहीं हम सर दिन भर में 25 बार आई लव यू बोल तो देते हैं, आई लव यू से जीवन चलता है, वो तो जैसे खाने में चटनी है वैसे आई लव यू है, तो चटनी ना भी रहे तो भी चल जाएगा, और खाना ना रहे सिर्फ चटनी दिन भर दी जाए। तो तुम अपने आप को या तो योद्धा समझ लो कि मैं युद्ध के मैदान में आ गया हूं, अब बदतमीजी मत करना, कोई सड़क पे गिर गया है उसको उठा दो, ये इंसानियत है, कोई तुमसे आके अपना कहानी सुना रहा है, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही, निकाल के जूता 20-25 मार दो तुरंत, तुम उसको सांत्वना दे रहे हो, समझा रहे हो कि तुम टेंशन लो, हमारी बात कराओ। अंधों के साथ रहोगे ना, दुर्योधन क्यों मारा गया, उसकी गाइडेंस दो अंधे कर रहे हैं, धृतराष्ट्र और गंधारी, करना सब है, तुम अभी कौन से 50 साल के हो गए, यहां 50 वाले हिम्मत बांधे हुए हैं, तुम कौन सा, तुम्हारी उम्र चली गई कि और हमारे दोस्तों की शादियां हो रही, होने दो, उनकी एक हुई है ना, तुम्हारी चार होगी, अरे दहेज में टाटा टियागो मिली है, टाटा टियागो में तुम्हारे कुत्ते घूमेंगे, कल हम सुबह सुबह मोती झील चले गए, वो दिक्कत हो गई वहां, हमने आज सोचा 10 बजे जाएंगे, देख तो टिकट लगने लगता है 9 बजे के बाद, और 10 बजे वहां कोई रहता नहीं, वहां 10 बजे रहते हैं वो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट रहते हैं, वही सब रहते हैं, कुछ साइंटिस्ट आते हैं वहां पे पढ़ने वढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले, वो भी अच्छा है, साइंटिस्टों को भी बैठना चाहिए, वो पता नहीं कि आपस में पकड़ पकड़ के समझाते कि देखो मछली के अंदर, मजनू गाली है, ब्यूरोक्रेसी हैज नो सिंपैथी फॉर मजनू, यार मालिक ने एक जिंदगी दी काम करने के लिए, उसको तुम ड्रामेबाजी में बिता रहे हो, मान लो तुमने किसी लड़की प्रपोज कर दिया, उसने मना कर दिया, दूसरे को करो, तीसरे को, चौथे को, छठा, सातवां, आठवां, नौ, करते रहो, करने मेरा प्यार इस लड़की के लिए है, पागल हो, पूरी दुनिया को बांटो, पागलपन वाले काम मत करना लाइफ में, ताली बढ़ा लिया, गाना गा रहे, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया, एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो, कुछ चीजें भिखमंगों के लिए नहीं है, खाली टाइम चाहिए ना उसके लिए, रिलैक्स माइंड, इसलिए हिंदू कल्चर ने कहा धर्म अर्थ काम, सी द रैशनैलिटी ऑफ हिंदू कल्चर, पहले वो कहता एजुकेशन धर्म, फिर कहता अर्थ इकोनॉमी, फिर कहता काम एंजॉयमेंट, कहता अगर एंजॉयमेंट से कभी भर जाना तो मोक्ष लास्ट ऑप्शन रखा है। जैसे राजशाही जो है ना, राजशाही, अब तुम विजय माल्या को देखो, जहां भी धन है संपत्ति है वो भोग के लिए ही तो है, अब रिक्शा वाला थोड़ा लड़कियों के साथ कैलेंडर बनाएगा, उसकी बीवी ना खिंचाए उसके साथ फोटो, आज सुबह मेरे साथ कई लोग घूमने गए थे, तो फिर मैंने वहां कहा देखो यार, मैंने कहा दौड़ो भागो, बॉडी वॉडी बनाओ, कम से कम इतनी बना लो कि तुम्हारी बीवी जब तुम्हारे साथ चले तो उसे बड़ा अच्छा लगे तुम्हारा हाथ पकड़ के चलने, मेरा आदमी, और तुम उसके साथ चल रहे हो और हवा चल रही तुम्हारी बॉडी हिल रही, तो
तो उसको मजबूरी में तुमसे कहना पड़ेगा कि दूर होके चलो, लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि हमारी बीवी परेशान की, सबकी करती है। बीवी को भगवान ने भेजा ही है परेशान करने के लिए, वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। और तुम ही तो गए थे लेने, कोई तुम्हारा अपने तो कोई बीवी है किसी घर आती नहीं कि दरवाजा नॉक किया, भैया हम तुम्हारी बीवी बनने आए। तुम ही तो गए थे और साथ में 100 आदमी लेके भी जाते हो और घोड़े बैठ के जाते हो और तलवार लगाते हो, तो सोचती कि कोई दमदार आदमी है। फिर जब वो देखती है तो सोचती है भाई को मरा हुआ है, रात में गोली चल गई, तुम चारपाई के नीचे छिपे हो। तुम उसके सामने गुटखा खा रहे हो, तुम उसके सामने रो रहे हो, स्त्री के सामने। तब वो कमांड अपने हाथ में लेती है, तब वो दुर्गा बन जाती है, हंटर निकालती है, मारती खींच खींच के हंटर। तब तुम कहते हो कि भगवान बहुत परेशान हो रहे हैं, तो लेकर भी तो तुम ही आए हो, तो तुम तो सोचे थे मजा लेंगे और दांव पड़ गया उल्टा। अब तुम भाग भी नहीं सकते, कानून हिंदुस्तान का कानून, शादीशुदा औरत को तुम तलाक नहीं दे सकते। और सारी बात औरतों की कोर्ट में सुनी जाती है। अगर औरत ने कोर्ट में कह दिया कि सरगा साहब ये जबरदस्ती मुझे रात में टच करता है, कोर्ट तुरंत सजा दे देगी, 8 महीना जेल। हाँ, औरतों को बहुत सारी पता नहीं है, मार्शल रेप का कॉन्सेप्ट है, उसका भी कॉन्सेप्ट है। अगर वो जाके औरत बोल दे कोर्ट में, गए चलाओ बैठ के वहां, वो तो हाँ। लेकिन अगर तुम शक्तिशाली हो, मैंने क्या कहा कि सीता जी राम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि सीता जी को पता है कि मेरा आदमी बहुत ताकतवर है। जानती है रावण से कहती है वो कि 2-3 तमाचे उलट देगा तुमको। उनको अपने आदमी की ताकत पे बड़ा कॉन्फिडेंस है। शिव जी को देखो, पार्वती जी को अपने बाप से लड़ जाती है। तुम साधारणतया किसी स्त्री के बाप के विरोध में बोलकर देखो, तुम्हारा अचार डाल दे तुरंत। लेकिन पार्वती जी अपने पिता से लड़ती हैं अपने पति की वजह से, क्योंकि पति बहुत ताकतवर है और साधारण सा आदमी है, न लिवाइस पहने, न ली पहने, न रेबैन का चश्मा लगाए, न क्लीन शेव है, न डीओ लगाए, वो तो शमशान की भभूत अभूत लपेटे।